हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के मध्य। इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ है वर्ष 2022 का, इसके मैथ्स के सॉल्यूशन को लेकर के मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर सेट कोड ए है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन पेपर कोड आप लोगों के पास में कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, या दूसरा कोई होगा, लेकिन सेट कोई भी हो, क्वेश्चन वही है। आप लोगों को इस सॉल्यूशन को देख करके अपने अपने क्वेश्चन को टिक करना है कि आप लोग कितना सही बनाए हैं। क्वेश्चन का संख्या तो 100 है, लेकिन आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही बनाना था, और आप लोग वो 50 क्वेश्चन कोई भी बनाए होंगे, तो आपको ये देखना है कि उस 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही बनाए हैं। वैसे हमें आशा है कि आप लोग इस बार 50 में 50 बना करके आए होंगे। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको कि थोड़ा सा 2-4 मार्क्स कम आएगा, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट जो है वो 45 प्लस में ही रहने वाला है। तो आप कितना बनाए हैं ये आपको देखना है। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन एक अगर देखें तो डी अपॉन डी एक्स इटू दी पावर 13x है। इटू दी पावर 13x जो होता है, इटू दी पावर x का डी सी इटू दी पावर x होता है, और पावर में 13x का डी सी आपको 13 होगा, यानी 13 इटू दी पावर 13x हो जाएगा। तो 13 इटू दी पावर 13x जो है ये आंसर सी में है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बाय 5 है। डी सी अगर निकालें तो साइन का कॉस एक्स बाय 5 होगा, अंदर जाएंगे एक्स बाय 5 का 1/5 होगा, यानी कि 1/5 कॉस एक्स बाय 5 हो जाएगा। इसका अगर आंसर देखें 2 नंबर का तो ये आंसर आपको सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x है। कॉस 2x का डी सी माइनस साइन 2x होगा, और अंदर जाएंगे तो 2x का डी सी आपको 2 होगा, यानी कि ये माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। और ऑप्शन को अगर देखें इसका ऑप्शन आपको सी है। चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स 10x/3 है। तो 10 का डी सी आपको sec स्क्वायर एक्स बाय 3 होगा, और अंदर जाएंगे एक्स बाय 3 का डी सी 1/3 होगा, यानी कि 1/3 sec स्क्वायर एक्स बाय 3 हो जाएगा, और 1/3 sec स्क्वायर एक्स बाय 3 आपको ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स एक्स 4/4 है। डी सी अगर निकालें एक्स 4 का तो ये 4x³/4 हो जाएगा। तो ये 4 अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x³ होगा, और x³ अगर देखें तो ये आपको आंसर सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स 4 है। तो लॉग एक्स 4 में क्या होता है कि ये पावर आपको पीछे आ जाएगा। प्रॉपर्टीज, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि पावर पीछे आता है, तो 4 लॉग एक्स हो जाएगा। तो जब इसका डी सी निकालेंगे तो कॉन्स्टेंट रहेगा ही, लॉग एक्स का डी सी आपको 1/x होगा, तो ये आपको 4/x आपको आंसर हो जाएगा, और 4/x आपको आंसर ए में है। सात नंबर अगर देखें तो ये आपको डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा में पहला डी सी पावर के कारण हो जाएगा, 2 sin थीटा, और फिर साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है, फॉर्मूला है ट्रिगो से, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा इसका। आठवां नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो ये आपको डी अपॉन डी थीटा कॉस 3 थीटा है। अगर इसमें डी सी देखें पावर के कारण तो 3 cos² थीटा, और फिर कॉस का हो जाएगा -sin थीटा, यानी कि -3 cos² थीटा साइन थीटा आपको आंसर हो जाएगा। -3 cos² थीटा साइन थीटा, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर 9 का देखें तो ये आपको डी अपॉन डी एक्स 10² x, तो पहला डी सी स्क्वायर के कारण 2 10x, और फिर 10 के कारण sec² x हो जाएगा।
टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स जो है वो आंसर डी है इसका। अगला क्वेश्चन 10 का अगर देखें तो ये एक्स पे पावर 3/2 डी एक्स है, इंटीग्रेशन है ये, यानी कि एक्सन का फॉर्मूला एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी या के, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 अपॉन 5 एक्स पे पावर 5/2 प्लस के हो जाएगा। तो 2/5 एक्स पे पावर 5/2 प्लस के आंसर आपको बी में है। 11 अगर देखें तो ये आपको डी एक्स अपॉन एक्स है, यानी 1/x का क्या होता है लॉग एक्स, लेकिन बुक वगैरह सब में जो है मॉड करके रहता है ऑलवेज पॉजिटिव के सेंस में, कि लॉग हमेशा पॉजिटिव का आउटपुट देता है, इसीलिए ये मॉड लगाते थे ताकि ये इफेक्ट नहीं डाले। अब प्लस कॉन्स्टेंट आपको सी रहेगा ही, तो आंसर इसका जो है आपको ए हो जाएगा। 12 अगर देखें तो ये आपको साइन एक्स है, और साइन एक्स का इंटीग्रल आपको माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस के डालना है या प्लस सी, कॉन्स्टेंट में सी या के कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें के माइनस कॉस एक्स, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 13 नंबर अगर देखें तो ये आपको कॉस 6 थीटा का कह रहा है, तो कॉस 6 थीटा क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, तो साइन 6 थीटा होगा, और थीटा में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, इसलिए 6 से डिवाइड करके कॉन्स्टेंट लगाना है, यानी 1/6 साइन 6 थीटा प्लस की, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर अगर देखें तो ये 14 नंबर आपको है टेन 2x का इंटीग्रल, तो टेन 2x, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक 2x होगा, x में 2 से मल्टीप्लाई, इसीलिए 2 से डिवाइड करके आपको कॉन्स्टेंट के लगाना है, तो ये अगर देखें 1/2 लॉग, तो ये आपको आंसर बी हो जाएगा। 15 अगर देखें तो ये 15 है आपको 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, डेफिनेट का सवाल है ये, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको एक्स क्यूब बाई 3 होगा, रेंज लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक, अपर लिमिट डालेंगे 1 का क्यूब 1/3 माइनस 0 डालेंगे तो होगा 0, यानी 1/3 माइनस 0 आपको 1/3 होगा, यानी इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। 16 नंबर अगर देखें तो ये 16 नंबर आपको है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल आपको माइनस कॉस एक्स होता है, रेंज 0 से π/2 लिखना है, माइनस को बाहर छोड़ दिए हैं, तो अपर लिमिट कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 होगा, तो कॉस 90 का वैल्यू 1 और कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 अगर देखें तो इसके ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 17 का अगर देखें e^x का इंटीग्रल है, रेंज है ए से बी तक, e^x का इंटीग्रल e^x ही होता है, रेंज ए से बी होगा, तो ये आपको e^upper limit माइनस e^lower limit, तो e^b माइनस e^a आपको आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर अगर क्वेश्चन देखें, ये आपको ए से बी तक dx दिया हुआ है, तो नहीं कुछ तो यहां 1 है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, रेंज देंगे a से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस a, और b माइनस a आपको आंसर a है इसका। 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 0 से 1 तक x dx है, x का इंटीग्रल आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, रेंज देंगे 0 से 1 तक, अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 होगा, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 अगर देखें तो ये आपको आंसर बी है। 20 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, x^-1/(x-1) है, तो ऊपर अगर देखें a^-b^2 का फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में x-1 तो है ही, तो ये x-1 अगर कैंसिल होगा तो x का इंटीग्रल x^2/2, 1 का इंटीग्रल x प्लस c या k करना है, तो x^2/2 प्लस x प्लस k,
यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर 21 का देखें तो ये आपको माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई है, टेन एक्स है, डी एक्स है। तो टेन एक्स जो होता है ये ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन के केस में अगर ये रेंज सेम और अपोजिट साइन में अगर हो तो इस पूरे का वैल्यू जीरो होता है, ऐसा ध्यान रखना है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर अगर देखें तो ये आपको माइनस पाई बाय 4 से लेकर के प्लस पाई बाय 4 तक गया हुआ है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स है। यहां पर भी साइन क्यूब एक्स आपको ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन के केस में अगर ये रेंज सेम हो लेकिन अपोजिट साइन में अगर हो तो इसका वैल्यू आपको जीरो होता है, जो कि डायरेक्ट टिक करना है, यानी इसका भी जो आंसर है वो ए ही होगा। 23 नंबर अगर देखें डी एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, अगर ई टू दी पावर माइनस एक्स को हम नीचे ले जाएं तो इसको ई टू दी पावर एक्स प्लस वन बाय ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर भी जाएगा, यानी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन होगा। तो अगर ई टू दी पावर एक्स को आप लेट करते हैं जेड, लेट करते हैं ई टू दी पावर एक्स को जेड, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। प्रतिस्थापन का विधि लगा रहे हैं तो ऊपर वाला जो टर्म है वो डी जेड होगा, और यहाँ डालेंगे जेड तो जेड स्क्वायर प्लस वन होगा। तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये टेन इनवर्स जेड होगा। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर है तो टेन इनवर्स जेड होगा। जेड का वैल्यू अगर वहाँ से डालेंगे तो ये टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस के हो जाएगा। लास्ट में के लगा दिए हैं तो टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस के, आपको आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अगर देखें 24 नंबर का तो ये आपको 4 ई टू दी पावर 3x प्लस 1 है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ई टू दी पावर 3x बाय 3 होगा, क्योंकि x में 3 से गुना है ना, और 1 का इंटीग्रल x होगा और प्लस के हो जाएगा। तो 4 ई टू दी पावर 3x बाय 3 प्लस x प्लस के, आंसर आपको b हो जाएगा इसका। 25 का अगर देखें रूट एक्स का यहां इंटीग्रेशन है, रूट मतलब पावर हाफ होता है, रूट मतलब पावर हाफ, तो हाफ प्लस वन 3/2/3/2 हो जाएगा प्लस के। तो ये 3/2 का जब 2 ऊपर जाएगा और ये 3/3 कट भी जाएगा तो ये आपको 2x पे पावर 3/2 प्लस के हो जाएगा। तो 2x पे पावर 3/2 प्लस के, आंसर आपको ए हो जाएगा। 26 अगर देखें ये डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन वर्स का, साइन वर्स एक्स प्लस के हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। 27 नंबर अगर देखें ये 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर मतलब इस 1 को आप 1 भी छोड़ सकते हो, इसे ए स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 1 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट में कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स होता है, तो टेन इनवर्स 2x, एक्स में 2 से गुना है इसलिए आपको 2 से डिवाइड करके के करना है। तो ये 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ टेन इनवर्स 2x प्लस के हो जाएगा, और टेन इनवर्स 2x प्लस के जो है, टेन इनवर्स 2x प्लस के, ये आपको आंसर सी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें 28 नंबर का तो ऊपर में आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में कॉसेक एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस के हो जाएगा।
तो माइनस कॉस एक्स प्लस के आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला अगर देखें 29 नंबर का, तो ये थ्री इंटीग्रल आपको डीएक्स दिया हुआ, नहीं कुछ तो यहां वन है, तो वन का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स होता है, तो थ्री एक्स प्लस के हो जाएगा, तो थ्री एक्स प्लस के आपको आंसर इसका ए हो जाएगा। 30 नंबर अगर देखें, ये डी अपॉन डीएक्स ए टू दी पावर एक्स है, ए टू दी पावर एक्स का डीसी ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 31 का अगर देखें कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, करा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर एक्स डी वाई को इधर छोड़ के इसको उधर ले जाए तो माइनस वाई डी एक्स होगा। वेरिएबल सेपरेबल का रूल लगा रहे हैं, मतलब वाई को इधर ला रहे हैं तो वन अपॉन वाई डी वाई, इस एक्स को उधर ले जा रहे हैं तो वन अपॉन एक्स डी एक्स होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें इस तरीका से तो वन बाय वाई का क्या होगा, लॉग वाई, और इधर कितना होगा, लॉग एक्स। जब सब टर्म में लॉग होता है तो कॉन्स्टेंट में भी हम लोग लॉग लगाते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे लॉग के, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी एक तरह से अगर देखा जाए यहां पे तो ये लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग के अपॉन एक्स हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन, तो के बाई एक्स होगा, तो ये लॉग लॉग अगर हट जाएगा तो वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू के यानी कि कॉन्स्टेंट, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि ये आंसर बी हो जाएगा, इसका बी आंसर होगा 31 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन अगर देखें 32 नंबर का, ये डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी कि डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, यानी कि वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, मॉड लगा दीजिए और प्लस के कर दीजिए, यानी इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 33 अगर देखें तो ये डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, फोर मतलब हो गया टू स्क्वायर, तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए एक्स बाय टू प्लस के हो जाएगा, यानी वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस के, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। 34 अगर देखें ये टू आई डॉट थ्री जे है, तो ये तो आपको सिक्स हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे जो है, आई डॉट जे, आई और जे लंब होता है ना आपस में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, जो सारे के सारे टर्म को जीरो कर देगा, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 35 अगर देखें तो ये आपको है थ्री जे डॉट टू के, तो जैसे आई जे लंब होता है वैसे ही जे के भी लंब होता है, तो जे डॉट के आपको जीरो होता है, इसलिए टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है आपको हो जाएगा डी। 36 अगर देखें क्वेश्चन, तो ये आपको है थ्री आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के डॉट आई, तो आई का डॉट अगर लेंगे तो केवल आई वाला टर्म बच जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं थ्री आई डॉट आई फोर जे डॉट आई माइनस फाइव के डॉट आई, ऐसे लिख सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो आई डॉट आई का वैल्यू वन होता है क्योंकि आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो ये थ्री हो जाएगा, अब बाकी ये भी लंब, इसीलिए बाकी दोनों का दोनों टर्म जीरो होगा, तो वैल्यू हो जाएगा थ्री, और थ्री अगर देखें तो ये आपको ऑप्शन बी में है। 37 अगर देखें 37 तो ये आपको है आई प्लस जे प्लस के डॉट टू आई प्लस थ्री जे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का कॉफिशियंट तो वन इंटू टू, जे का कॉफिशियंट तो वन इंटू थ्री, के उसमें है ही नहीं मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये टू प्लस थ्री आपको फाइव हो जाएगा, और फाइव अगर देखें तो इसके ऑप्शन ए में है।
38 अगर देखें तो ये आपको 2i प्लस जे प्लस 2k है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई का गुणांक स्क्वायर जे का गुणांक स्क्वायर के का गुणांक स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर रूट आपको हो जाएगा 3। और 3 अगर देखें तो इसके ऑप्शन ए में है आपको, थर्टी नाइन अगर देखें तो 0 से 1 ये टेन वर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अगर इसमें लेट करते हैं टेन वर्स एक्स को जेड, तो टेन वर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डीएक्स बराबर डी जेड होगा, नीचे का टर्म मिल रहा है ना। इसके जब रेंज को आप बदलना चाहेंगे तो अगर एक्स का वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट 0, तो टेन वर्स 0 जेड का वैल्यू कितना होगा, वो भी 0 ही होगा। और एक्स का वैल्यू अगर अपर लिमिट लेंगे 1, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा टेन वर्स 1, और टेन वर्स 1 आपको पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि टेन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1। तो नया रेंज जो है यहाँ पे चलेगा आपको 0 से लेकर पाई बाय 4 तक, मतलब ये जो चीज़ में पुट करेंगे तो 0 से 1 रेंज नहीं जाएगा, अब न्यू रेंज जाएगा 0 से पाई बाय 4। टेन वर्स एक्स का वैल्यू जेड लेंगे और जो नीचे का टर्म है डी एक्स है इसके जगह पर डालेंगे डी जेड, यानी कि जेड का इंटीग्रल हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2। रेंज लगेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो ये पाई बाय 4 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट डालेंगे तो सब टर्म में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16, और 2 से गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर बटे 32 आपको जो है ये आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 32, तो पाई स्क्वायर बटे 32 आपको आंसर डी में है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन अगर देखें 40 नंबर का, तो आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो अगर हम ए प्लस बी निकालना चाहें तो ए है आपको आई प्लस 2j, और बी अगर देखें बुक में तो ये आपको 2i प्लस j है, यानी कि 2i प्लस i आपको 3i और 2j प्लस j आपको 3j हो जाएगा, यानी कि 3 × i प्लस j हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, तो 3 × i का गुणांक 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 का स्क्वायर, यानी 3√2 आपको हो जाएगा, और 3√2 अगर देखें तो ये आपको आंसर सी में, सी ऑप्शन में। 41 का अगर देखें तो आपको बोल रहा है i प्लस j की दिशा में इकाई सदिश है, तो अगर लेट कर लेते हैं r जो है वो i प्लस j है, तो आपको आर कैप निकालने के लिए बोल रहा है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, यानी आई प्लस जे अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, आई का गुणांक जे का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, यानी आई प्लस जे अपॉन √2 हो जाएगा, और आई प्लस जे अपॉन √2 आपको आंसर ए है, ए ऑप्शन। 42 अगर देखें 42 का, तो ये बोल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अवकल समीकरण है ये और इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ पे आपको p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 1 है, तो अगर आई एफ यहाँ पर निकालेंगे तो ई टू दी पावर इंटीग्रल p dx हो जाएगा, तो ई टू दी पावर इंटीग्रल 1 dx होगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो ई टू दी पावर x हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यानी कि y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर x, तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू होल इंटीग्रल, q का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ई टू दी पावर x डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ई टू दी पावर x का इंटीग्रल ई टू दी पावर x ही होगा, तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस सी हो जाएगा। तो अगर ई टू दी पावर x से हम डिवाइड करें सब में तो y इंटू ई टू दी पावर x बाय ई टू दी पावर x, यहाँ करेंगे टू दी पावर x बाय टू दी पावर x और c बाय ई टू दी पावर x, तो यहाँ कैंसिल होगा तो y बचेगा, यहाँ कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू वन प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स। पहला जो ऑप्शन है ये c कांस्टेंट है ना, ये c कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के जगह पर c हो, k हो, a हो, कुछ भी डाल सकते हैं। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है आपको a, यही a आपको सही होगा। अगला अगर देखें 43 का, तो ये आपको है dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू cos x। बोल रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक if पूछ रहा है, तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहां पर आपको p का वैल्यू है 2 और q का वैल्यू है cos x। तो if निकालने का जो फॉर्मूला होता है होता है e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। तो e टू दी पावर इंटीग्रल 2 dx अगर निकालेंगे तो ये e टू दी पावर 2x हो जाएगा, और e टू दी पावर 2x अगर देखें तो ये ऑप्शन a में है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो a हो जाएगा। 44 को अगर देखें हम लोग तो 44 है 5j क्रॉस 4i। तो j क्रॉस i अगर आपको याद हो, एक सर्किल बनाते हैं कि i j और इधर होता है k, तो i क्रॉस j k होता है, और यहां j क्रॉस i है तो j क्रॉस i होगा तो माइनस k हो जाएगा। तो ये आपको 20 है और ये माइनस k है, यानी कि माइनस 20 के आपको आंसर हो जाएगा। तो माइनस 20 की आपको ऑप्शन है डी, इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा डी। अगला अगर देखें ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, और बोल रहा मूल बिंदु से यानी कि 0 0 0 से मान लीजिए एक लंब डाल रहे हैं कहाँ पे, तो एक तल पे, ये तल है कौन 2x-3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो सबको एक तरफ ला करके एक तरफ जीरो कर लेना है तब लगता है फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट जो लंब डाले हैं ये m है, तो m निकालने का रूल क्या बताए थे, मॉड में ये तीनों आ जाएगा यहाँ x बाय जेड की जगह पर, तो ये तीनों जीरो होगा तो माइनस 6 बचेगा मॉड में, और नीचे अंडर रूट हो जाएगा x का गुणांक स्क्वायर y का गुणांक स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और z का गुणांक 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 16 9 25 25 4 29, और ऊपर में माइनस 6 का मॉड हो जाएगा तो 6 बाय अंडर रूट 29 हो जाएगा। 6 बाय अंडर रूट 29 आंसर आपको इसका हो जाएगा सी। अगर देखें तो 46 ये दिया हुआ है कि तल इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें, दो तल दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। बोल रहा है इसके बीच का एंगल निकालना है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n1 वो आपको हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k, और जो नीचे वाला जो तल देख रहे हैं इसका नॉर्मल वेक्टर आपको हो जाएगा 3i माइनस 6j माइनस 2k। तो अगर इस दोनों तल के बीच का कोण थीटा होगा तो दोनों नॉर्मल के बीच का भी कोण थीटा ही होगा। तो कॉस, जब दो वेक्टर जान गए तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 डॉट n2 का मैग्नीट्यूड अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे इसका n1 डॉट n2, ये लिखेंगे i का गुणांक 2 इंटू 3, j का गुणांक 1 इंटू माइनस 6, k का गुणांक -2 इंटू -2 का मॉड, और नीचे अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ऊपर में ये 6 माइनस 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो ऊपर आपको 4 हो गया, और नीचे अगर देखें तो ये 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, और ये आपको हो गया कितना 36 4 40 49 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया आपको 4/21 हो गया। तो ये क्या है आपको, तो ये कॉस थीटा है। तो अगर थीटा निकालेंगे तो ये कॉस इनवर्स 4/4 जो है ये आपको आंसर सी है इसका।
तो ये आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें 47 नंबर का, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी करके इसको मानते हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 1 और सी इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगर एल निकालेंगे तो ये एल क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा। तो एक तरह से ये आपको 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो गया। तो इसी के आधार पर आप कह सकते हैं m का वैल्यू -1/3 होगा और n का वैल्यू -2/3 हो जाएगा। तो 2/3 -1/3 -2/3, यानी इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। अगला अगर देखें 48 का, तो ये 48 है आपको i-2j +5k और डॉट है -2i +4j +2k। तो डॉट में क्या होता है, i का गुणांक तो 1 × -2, j का गुणांक -2 × 4 और k का गुणांक 5 × 2 हो जाएगा, यानी -2 -8 +10 हो जाएगा। तो -10 + 10 आपको 0 हो जाएगा, यानी 48 का जो ऑप्शन है आपको ए हो जाएगा इसका आंसर। 49 अगर देखें तो 49 है आपको x(e^2x) का इंटीग्रल, यानी बाय पार्ट्स है ये, आईलेट पर बनेगा, ये अलजेब्रिक है तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड फंक्शन होता है। फर्स्ट को ब्रेक करेंगे सेकेंड का इंटीग्रल e^2x/2 माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का dc1 और सेकेंड का इंटीग्रल e^2x/2 होगा dx+c हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो x(e^2x/2 और इस 2 को अगर बाहर हम लोग निकाल लें तो इस 2 e^2x का इंटीग्रल आपको e^2x/2 फिर से हो जाएगा। C या K करके हम लोग लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 है, तो 2 4 का एलसीएम आपको 4 ही ना होगा। ये समझिए कि e^2x/4 अगर कॉमन ले लें, e^2x/4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2x-1 आपको बचेगा प्लस C या K करेंगे। इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल होगा तो नीचे में 2 बचेगा और बाद वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल टर्म आ जाएगा। तो e^2x/4 2x-1 + k आंसर इसका ए हो जाएगा आपको। 50 का अगर देखें तो ये 50 में है आपको 2i-3j + 5k और डॉट में है फिर 2i+2j + 2k। तो डॉट अगर लेंगे तो 2 × 2 = 4 प्लस इसको करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -6 प्लस ये आपको हो जाएगा 10। तो 14 में से 6 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा और 8 आपको आंसर ए में है। इक्यावन अगर देखें तो ये आपको एल एम एन दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं l² + m² + n² का वैल्यू 1 होता है, तो एल का वैल्यू 3/√77 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 9/77 -2 का स्क्वायर 4/77 +x² = 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 - 9/77 -4/77 होगा। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 77 ही होगा, तो 77 - 9 - 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 77 - 13/77 तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा क्या। तो x अगर निकालेंगे तो स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 64/77 यानी 8/√77 हो जाएगा। 8/√77 आपको आंसर है बी, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा।